नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कर्क राशि वालों का आज का दिन यानी कि 12 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के नीचे जय बजरंगबली कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और उपाय है, तो आप उसे भी देखें, सुने और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के धन संपत्ति के बारे में। तो पैसों के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ नहीं देगा। अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो आज के दिन आप निवेश करने से बचने का प्रयास करें। वैसे अगर आपके स्वास्थ्य की ओर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आज के दिन आपको मतभेदों का सामना करना पड़ेगा और मतभेद के वजह से आज के दिन आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी। आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा, झुंझलाहट और बेचैनी आप महसूस करेंगे और इसी वजह से आज के दिन आपके स्वास्थ्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है आपका घर परिवार। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे सही रहेगा। आज के दिन अपने घर परिवार में आपको समर्पण का भाव दिखाना होगा। अपने घर परिवार में सभी लोगों के दिल में आप अपने लिए प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके घर परिवार में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा बीतेगा। आज के दिन आपकी शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इस वजह से आज के दिन आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे और इस वजह से आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मित्रों, आज के दिन से अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ नहीं देगा। यदि पॉसिबल हो, संभव हो तो आज के दिन से आप नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। आप जो भी काम करते हैं उस काम को बड़े ही मन से और एकाग्रता के साथ आप करने का प्रयास करें। आप में से जो भी लोग सामाजिक कार्यकर्ता हों, समाज के लिए काम करते हों, तो आज के दिन भी आप सामाजिक कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपके समाज में, आपके इज्जत में, आपके मान प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा और इस वजह से आपके सामाजिक जीवन में भी आपको कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ रंग, शुभ अंक और उपाय क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और सलेटी।
आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 4 यानी कि 4। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज्यादा सामान्य है। आज के दिन आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, इस टोटके को अगर आप आजमाते हैं, तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।